टीकमगढ़ में शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया और व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें व्यापारियों की सहमति से व्यवस्थाएं किए जाने की बात कही गई। आने जाने के लिए अलग अलग रूट निर्धारित किए जाने और मिश्रा तिराहा से लेकर सैल सागर स्टेट बैंक पपोरा चौराहे तक के लिए और वापस में पपोरा चौराहा कटरा बाजार जवाहर चौक और नजाई होते हुए लुकमान चौराहे से बाहर निकलने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। बताया जा रहा है कि इस रोड को वन वे किया जाएगा। SDOP राहुल कटारे ने बताया कि अगर कोई भी दुकानदार अपनी दुकान से अतिरिक्त जगह पर सामान रखता है तो उसे चालानी कार्रवाई से गुजरना होगा। प्रेस वार्ता के दौरान यातायात प्रभारी कैलाश कुमार पटेल सूबेदार आर्या पाराशर ने कहा कि शाम को 6 बजे से अनाउंसमेंट के जरिए दुकानदारों को अवगत कराया जाएगा कि अगर किसी का सामान रोड पर रखा दिखता है जिससे कि ट्रैफिक जाम हो, उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ई रिक्शा ऑटो चालक के लिए व्यवस्थाएं भी की जाएंगी ताकि कहीं भी रास्ते में वाहन खड़े ना हो और ट्रैफिक में बाधा ना आए। सर बताएं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, तो कौन कौन से मकसद के लिए आयोजित किया गया? शहर टीकमगढ़ के यातायात व्यवस्था में सुधार के परिप्रेक्ष्य में आज व्यापारी बंधु एवं मीडिया बंधुओं की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न व्यापारीगण एवं मीडिया बंधु शामिल हुए, जिसमें व्यापारी बंधुओं की ओर से सुझाव आया है कि जो नाली के वाला क्षेत्र है उसके पहले तक वो अपनी दुकानों को सीमित करेंगे और उसके आगे कोई भी किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं रखेंगे। नालियां जो ढकी हुई हैं उन पर मोटरसाइकिलों की पार्किंग होगी या साइकिलों की पार्किंग होगी और उसके बाद एक रेड लाइन डाली जाएगी और यदि कोई भी मोटरसाइकिल या वाहन उस रेड लाइन को क्रॉस करते हुए पार्क किया जाता है तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा व्यापारियों के ओर से सुझाव आया है, जिस पर यातायात पुलिस और कोतवाली पुलिस, जिला पुलिस बल टीकमगढ़ इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन वे की सलाह दी गई है, जिसको हम एक हफ्ते तक इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद इसमें क्या परिप्रेक्ष्य या क्या परिणाम आ रहे हैं उसके आधार पर हम इसको स्थायी रूप से लागू करने के लिए रिकमेंडेशंस भेजेंगे। व्यवस्थाएं कब से चालू हो जाएंगी सर? ये व्यवस्थाएं आज शाम से ही चालू हो जाएंगे। हमारे व्हीकल के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाएगा, इसमें व्यापारियों का सहयोग हमें मिलने की अपेक्षा है और कल से हम वन वे का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। क्या बातचीत हुई है, क्या? ये आज हमने यातायात जागरूकता और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सुव्यवस्थित करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाने के लिए जो आम जनता है और जो यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, यहाँ के ऑटो टैक्सी ड्राइवर संचालक हैं, इनकी सबकी संयुक्त रूप से बैठक ली है और इनसे भी हमने ये कुछ सुझाव चाहे हैं कि क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या अच्छा हम कर सकते हैं आपसी सहमति से कि किसी का नुकसान भी ना हो और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी बन सके। तो इसके लिए 2-3 चीज़ों पर हमारी बहुत अच्छे से सहमति भी बन गई है। इसको हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुँचाएंगे और संभवतः इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम धीरे से स्टार्ट भी करेंगे नगर पालिका के सहयोग से। तो इसके लिए हमने सभी से अपील की है कि सभी जैसे अपने दुकानों के बाहर अगर अतिरिक्त होर्डिंग जो सड़क पर लगा रखा है, बैनर है, तो उनको या तो कम कर लें या छोटा कर लें ताकि सड़क चौड़ी हो जाए, लोग अगर सड़क दुकानों के सामने वाहन आसानी से पार्क कर सकें जिससे जाम की स्थिति निर्मित ना हो। और ऑटो टैक्सी जो संचालक है उनसे भी हमको अभी बात करनी है कि कहीं एक ऑटो रिक्शा स्टैंड इस टाइप की व्यवस्था अगर करवाई जा सके तो शहर में जहाँ जगह जगह जैसे पिकअप और ड्रॉप पॉइंट बन जाते हैं तो उससे निजात मिल जाएगी और ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। ये अभी इसके लिए हमने अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चालू किया है, कल से हम इसकी प्रक्रिया में लग जाएंगे। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति लेकर और कलेक्टर साहब SP साहब से बात करके जो हमने यहाँ जो सुझाव आए हैं जनता के, आम जनता के, उनको उनके समक्ष रखेंगे और इसमें जितनी जल्दी निर्णय हो सकता है निर्णय करके इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम चालू करेंगे और जहाँ भी वन वे करना है शहर में, जहाँ पर भी हमको पार्किंग करनी है उसके संबंध में हम सुव्यवस्था करेंगे और निश्चित तौर पर एक सप्ताह के अंदर हम ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छा से सुधार करने के प्रयास करेंगे।